मेरा नाम चेतन जांगिड़ी, अपनी महिंद्रा बोलेरो है। इसके अंदर यार महिंद्रा ने ऐसे फीचर दे रखे हैं जो कि यार अपनी किसी भी काम के नहीं देते, यानी कि वो अपने लिए अननेसेसरी फीचर दे रखे हैं अपने लिए, तो वो अननेसेसरी है, यानी कि कोई किसी भी काम के नहीं है। महिंद्रा ने दे तो रखे है बट यार वो अपने किसी भी काम के नहीं है। जैसे कि यार इसके अंदर बता देता हूँ, यार सबसे पहले तो यार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी आप ये से बोल रहे हो, अभी आपने ये देखा होगा कि यार ये पिंजरा आपने गाड़ी के ऊपर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यार मैं चूहे से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया, इसलिए गाड़ी के अंदर लगा के रखा था। बट यार मैं इसको अभी बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इस कारण अभी इसको क्या है बाहर निकाल दिया। अब इसके अंदर अपनी गाड़ी के अंदर सबसे पहले तो अपन डोर से बात करते हैं। देखो अभी इसके अंदर देखो ये दे रखा है ना ये वाला, अभी पता नहीं ये महिंद्रा कौन सा ऐसा बोटल बोटल आने लग गई जो कि यार इस शेप के अंदर रहती है। अभी बेसिकली भी कोई भी बंदा बोटल लेता है तो आफ्टर मार्केट देखो रोड पर तो वो किस प्रकार से बोटल देखने के लिए मिलती है। ऐसी तो आती नहीं है, देखो राउंड शेप के अंदर आती है ना, तो यार वो इसके अंदर कैसे आएगी मेरे को बता दो आप यार। यानी कि वो बच्चों वाली नहीं आती कि शादियों के अंदर मिलती है, वो ज़रूर आ जाए इसके अंदर। बट यार अपन जो कि यार एक लीटर वाली लेते हैं ना, जो कि यार इसके अंदर तो देखने के लिए नहीं मिलती, वो कैसे आएगी यार इसके अंदर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। अब महिंद्रा पता नहीं क्या ही अपने आप में पता नहीं क्या ही अलग ही बोटल बनाने में है क्या, अलग ही शेप की, मतलब इस बोलेरो के अंदर आने के लिए एक अलग ही बोटल मैन्युफैक्चर करने में मेरे को ऐसा लगता है। अब जो कि यार इसके अंदर से भी बता देता हूँ आपको एक और फीचर जो कि यार अपने लिए भी वो भी अननेसेसरी है। अभी इसके अंदर देखो, अब यहाँ पर देखो ये बोटल होल्डर है जो कि यार अपने लिए अननेसेसरी देखने के लिए मिल जाता है। अब यार इसके अंदर दो बोटल होल्डर दे रखे हैं जो कि यार अपने भी किसी भी काम के नहीं है। अब इसमें अंदर पहले बोटल होल्डर की बात करें तो यार इसके अंदर दो तो दे रखे हैं, तो इसमें से अपने एक भी काम का नहीं है। अब देखो यार इसके अंदर एक एक लीटर की दो बोतल आ सकती है, यानी बोटल आ सकती है। बट यार अब देखो यार अगर कोई भी एक लीटर की बोटल रखेगा ना तो इसके अंदर यार लगभग कितनी हाइट रहेगी उसकी, 6 इंच के आसपास हाइट रहती है। जब यार ये पूरा ऐसी शीट भी इसकी ऐसी दे रखी है महिंद्रा बोलेरो की, जो कि यार देखो अब देखो यहाँ से क्या ही है, अभी मैं इसके सेंटर में से लेके बता रहा हूँ देखो क्या ही है इसका। अब देखो यार क्या है, बोतल तो पूरी यहीं पर ही टच हो जाती है, फिर क्या है अब जैसे बोतल हाइट रहती है ना उसकी ज़्यादा, तो वो क्या है एकदम से टेढ़ी हो जाती है, फिर क्या है हैंड ब्रेक के टच होने लग जाती है, वो भी अपने किसी भी काम की नहीं रहती। अब जैसे कि यार इसके अंदर एक और बता देता हूँ आपको धीरे धीरे एक 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 करके बता देता हूँ, देखो आपको कौन कौन से ऐसे फीचर दे रखे हैं महिंद्रा जी के यार अपने लिए अननेसेसरी है। अब देखो यार इसके अंदर अगर कोई बंदा यहाँ से बैठेगा गाड़ी के अंदर तो यार इसको कैसे क्या ये हैंडल दे रखा है अपनी गाड़ी के अंदर, मेरे को तो ये चीज़ नहीं समझ में आई। इसके अंदर हैंडल दे तो रखा है, हालांकि सभी गाड़ियाँ देखो ऊपर की तरफ देती है, महिंद्रा एक अलग ही पता नहीं नीचे से हैंडल दे रखा है। इसके अंदर पता नहीं क्या ही काम आएगा, देखना अभी मैं खोल के बता देता हूँ आपको। ये हैंडल दे रखा है तो यार अपने किस काम में आ रहा है यार यहाँ पर ऐसे पकड़ के ऐसे करने में, जो कि यार मेरे को अजीब सा लग रहा है कि यार पूरा ही मतलब मेरा हाथ तो इस सीट के टच हो गया, अगर कोई इसको नहीं रहता तो सीट के बीच में अपना हाथ आ जाता है। देख लो यार महिंद्रा पता नहीं क्या ही सोच के चलता है। अभी इसको पता नहीं बोतल होल्डर की शेप भी देती है, हालांकि इसके अंदर तो फिर भी बोतल आ सकती है, इसके अंदर तो फिर भी थोड़ा सा स्पेस दे रखा है। बट यार उधर वाला राइट हैंड साइड वाले के अंदर तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रखा, जो कि यार बिल्कुल ही इसके अंदर तो बिल्कुल कम है स्पेस, जो कि यार अपने लिए कुछ भी काम करनी है अपने। अब देखो यार इसके अंदर दे तो रखे हैं मतलब पेपर होल्डर आते हैं ना पेपर होल्डर, वो अपनी गाड़ी के अंदर दे तो रखे हैं, बट यार वो भी अपने काम के हैं, वो तो अपने काम के हैं। देखो यार इसके अंदर बिल्कुल सही डिज़ाइन के दे रखे हैं पेपर होल्डर, जो कि यार सही तरीके से अपने गाड़ी के अंदर पेपर होल्डर देखने को मिल जाते हैं मेरे को तो यार। जैसे कि अभी देखो जैसे कि एस मॉडल आता है ना स्कॉर्पियो का, उससे तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को ये महिंद्रा बोलेरो, क्योंकि यार इसके अंदर ड्यूल टोन तो कलर देखने के लिए मिल जाता है और अच्छा खासा बढ़िया यार। अब देखो यार इसके अंदर इन दोनों के मैचिंग का दोनों के कलर देखने को मिल जाता है, जो कि यार अच्छे खासे हैं यार और क्या ही लोगे। अब महिंद्रा के अंदर उस समय देखो अपने लिए एक और अननेसेसरी फीचर है जो कि यार अपनी गाड़ी के अंदर दे रखा है, पर वो अपने काम का नहीं है, क्योंकि यार अपने डैशबोर्ड के अंदर ये तो दे रखा है, फ्रंट डिफोवर के लिए दे तो रखा है बट यार अपनी कोई किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि यार ये देखो जो कि यार अपने यहाँ पर भी एक बटन रहता है डिफोकर का, जो कि यार अपनी गाड़ी के अंदर अभी मिसिंग है, तो यार वो डलेगा भी नहीं, क्योंकि यार ये मैं नहीं डलाना चाहता इसके अंदर फालतू में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि यार ये सही है यार इतने ही और क्या ही लोगे, डिफोकर करके कर लोगे क्या। जैसे यार और कोई सी गाड़ी के अंदर आ रहा है वो किस काम के है, कुछ भी काम के नहीं है यार। जैसे कि यार अभी ये है ना हीटर जो काफ़ी अपनी गाड़ी के अंदर, जो यार काफ़ी अच्छे से काम करता है अपनी गाड़ी के अंदर। अभी देखो यार इसके अंदर फ्रंट के अंदर तो एसी देर तो रखी है यार, पर रियर वालों की तो हालत ही ख़राब है अपनी गाड़ी के अंदर, बिल्कुल हालत ख़राब कर रखी है पीछों के लिए तो महिंद्रा ने, पीछे वालों के लिए बंदों के लिए तो किसी के बारे में सोचा भी नहीं कि यार पीछे कोई बंदा बैठेगा इतनी बड़ी लंबी गाड़ी के अंदर, फिर उसको एसी की भी आवश्यकता रह सकती है, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं महिंद्रा ने, तो बस सिर्फ फ्रंट वालों के लिए दे रखा है जो भी कुछ दे रखा है अपनी गाड़ी के अंदर। यार कई ऐसे फीचर है जो कि यार महिंद्रा अभी तक भी नहीं देना चाहता अपनी गाड़ी के अंदर, जैसे कि यार इसके अंदर देखो इनको अभी तक भी रिप्लेस नहीं किया, यानी कि जैसे कि स्कॉर्पियो के अंदर तो फिर भी वो लगभग साल भर के अंदर थोड़ी सी अपडेट करता रहता है, जैसे कि यार महिंद्रा बोलेरो के अंदर तो बहुत कम ही अपडेट करता है, ना के बराबर ही अपडेट करता है, जो कि यार अभी देखो लगभग मेरे हिसाब से चार चार पाँच पाँच साल के अंदर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा अपडेट करता है, जो कि यार
बॉडी से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं करता अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर। अब जैसे ही थोड़ा सा अपडेट किया ना अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर, तो ये चीज़ अपडेट की है मेरे को तुम, पर यही मेरे को सबसे अच्छी लगती थी, ये वाला हैंडल ही मेरे को सबसे अच्छा लगता था अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर। जो कि यार अगर कोई भी, जैसे कि यार कोई बंदा बैठता है तो अपनी गाड़ी के अंदर, देखो ये फॉर्च्यूनर के अंदर तो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, पर महिंद्रा यहाँ से पकड़ के फिर बैठो ऐसे ही ऐसे। ये मेरे को अच्छी लगी अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर, बट यार मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर लगा अपनी महिंद्रा बोलेरो का। बट यार यहाँ पर दे देना लग्जरी फील थोड़ी सी और ऊँची हो जाए ना अपनी गाड़ी, तो फिर यहाँ से पकड़ के फिर बैठने वाले फील ही लगा जाए यार अपनी गाड़ी के अंदर। बट यार ये फीचर तो अभी मिसिंग अपनी गाड़ी के अंदर। अब यार रियर से बात करें तो देखो यार रियर के अंदर तो यार एसी तो देनी चाहिए थी यार, जैसे कि यार यहाँ पर इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दें तो यार काफ़ी अच्छा हो जाए। देखो अब जैसे कि यार अपनी गाड़ी के अंदर ये देखो यहाँ से रियर वेंटिलेशन के लिए तो दे तो रखा है, अब इसकी जगह वो है ना एसी का पाइप भी डालना चाहें तो वो डाल सकता है। बट यार महिंद्रा बोलेरो के अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि वो ऐसा कर सके महिंद्रा बोलेरो के अंदर, बट कोई नहीं यार। क्योंकि यार अभी इसको भी अपग्रेड करना चाहें तो वो कर सकता है, वैसे वो करना नहीं चाहता क्योंकि यार महिंद्रा के अंदर वो इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो यार मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ फ्रेंड्स के अंदर, जो कि यार मेरे को अननेसेसरी लगी अपनी गाड़ी के अंदर, मैं क्या यार भी बता देता हूँ। देखो आपको तो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखो यार बता देता हूँ आपको, अब ये अपनी गाड़ी के अंदर लगा हुआ तो है। देखो जैसे आप लेफ्ट साइड वाले देखो एसी वेंट के बारे में बात करोगे कि यार एसी वेंट की प्लेसमेंट ये दे रखी, दे तो रखी अपनी गाड़ी के अंदर एसी वेंट की प्लेसमेंट। अब यार इसके अंदर ये जुगाड़ देखने के लिए मिलता है ना, पता नहीं क्या ही काम का है। अब इसके अंदर देखो पता नहीं किस काम में आएगा अपना इस तरह सा स्पेस, पता नहीं इसके अंदर पता नहीं क्या ही लगा हुआ आता है, ये मेरे को भी नहीं पता। अब यार इसके अंदर ये स्पेस दे रखा है ये पता नहीं क्या ही काम का है, मेरे हिसाब से लगा हुआ आता होगा। बट यार अभी ये देखो मेरे हिसाब से स्पेस चाहिए, मैंने जितनी गाड़ियों के अंदर देखा था ना उतनी गाड़ियों के अंदर ऐसे कैसे एज इट इज़ अब मेरे को देखने के लिए मिलता। बट यार पता नहीं ये इस तरह से स्पेस अपने यार क्या ही रिकमेंड करेगा। अब इसके अंदर देखो यार ये पेपर होल्डर तो दे रखा है, यानी कि देखो ये सामान वामान रखने के वो भी अंदर से छिपा कर, तो उसके अंदर यार पेपर रखने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है अपने को। अब इसके अंदर कोई लंबा पेपर भी नहीं डाल सकते क्योंकि यार ऊपर ऐसे कैसे वो पाइप नहीं आती कैसे वेंट के वो ऐसे कैसे टच हो जाते हैं, मेरे को ये चीज़ें इसके अंदर थोड़ी सी बेकार लगी यार। अब इसके अंदर देखो ये मेरे को सबसे अच्छा लगा कि मोबाइल रखने के लिए अपनी गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं जगह तो दे ही रखी है, देखो ये वाली जगह तो दे ही रखी है अपनी गाड़ी के अंदर मोबाइल रखने के लिए। ये मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर, एक तो ये चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी और इसके मेरे को ये चीज़ें अच्छी लगी और इसके अंदर ये फीचर, तो फीचर के नाम पे पता नहीं महिंद्रा क्या चाहता है। अब देखो यार इसके अंदर ये चेंज करना चाहे ना, ये अपने लिए छोड़ा है भाई, अपनी इच्छा हो तब लगा लियो इसको, पावर विंडो को साइड वाली फायर पावर विंडो गेट डोर पर तो दी ही नहीं, आपकी इच्छा हो तब लगा लेना इसके अंदर पावर विंडो, हमारी तो इच्छा नहीं है देने की तो उन्होंने दी भी नहीं, आपकी इच्छा हो तब लगा लियो, हमने तो ये सेंट्रल कंसोल में दे दी। देखिए यार आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि यार अभी एस मॉडल के अंदर भी देखने के लिए मिलती है साइड में पावर विंडो, बट यार साइड के अंदर भी नहीं देता वो तो, क्योंकि वो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ही देता है पावर विंडो, जो भी डोर पैनल पर देता है वो क्या है महिंद्रा कुछ ज़्यादा ही शाना बन रहा है आजकल, महिंद्रा क्या है थोड़ा तो ज़्यादा दिमाग लगाने लग गया आजकल क्या है, इसीलिए उनकी क्या है देखो महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर भी दो ही वेरियंट निकालने लग गया एस और एस इलेवन, जैसे बोलेरो के अंदर करेगा। पहले क्या है देखो कितने वेरियंट आते थे अपनी गाड़ी के अंदर महिंद्रा बोलेरो के अंदर, वो भी बता देता हूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा पहले वेरियंट देखने के लिए मिलते हैं, जो कि यार आप अभी देखोगे तो यार इसके अंदर लिस्ट ही काफ़ी लंबी देखने के लिए मिल जाती है अपनी महिंद्रा बोलेरो की, जो कि यार अभी बता देता हूँ देखो आपको इसके अंदर अभी लिस्ट है, जो कि यार इसके अंदर देखो सबसे टॉप मॉडल जेड एलेक्स आता था, फिर एस एल एक्स, फिर एस एल ई आता, फिर एल एक्स, फिर वी एल एक्स, फिर डी आई, फिर ई एक्स, फिर प्लस आता था। अब इसके अंदर देख लो कितने वेरियंट देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा वेरियंट देखने के लिए मिल जाता है अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर। अब यार यही तो बात है अपनी महिंद्रा बोलेरो की, जो कि यार अभी हर गाड़ी के अंदर नहीं मिलती देखने के लिए। तो यार आज के लिए तो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रकार के नए कंटेंट के साथ।